When we claim back POK, will it be only the land or the people with it? If the people too, then the whole of Pakistan will be part of POK. Please enlighten us. बहुत जल्द कश्मीर आजाद होगा. कश्मीरियों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि दोस्तों थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो. मैं आपका यह बता दूं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान से पहले का एक आजाद मुल्क है. द कंट्री इज ऑलरेडी सीन आफ्टर 5 years हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस देयर इज टुडे इन द ग्राउंड सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर एज अ रिजल्ट टुडे ऑफ इट बीइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड विद दिस कंट्री. सो दैट पार्ट इज इंटीग्रेटेड, देयर इज द अदर पार्ट. सो वॉच पार्ट टू ऑफ द सीरीज. आजाद कश्मीर वालों का ये कहना है कि भाई पानी हमारे इधर से जाता है, डैम मतलब फिर वो बिजली बनाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा. क्या उनकी ये डिमांड गलत है? वो कहते हैं हमें आटे पे सब्सिडी दे दी जाए, क्या ये गलत डिमांड है? वो कहते हैं जो, और फिर बड़ा मैं कहता हूँ ये तो बड़ा अच्छा उनका जो स्टांस है या जो उनकी एक डिमांड है कि भाई जो अफसरान है उनका प्रोटोकॉल खत्म किया जाए या काम किया जाए, ये तो बड़ी अच्छी डिमांड. तमाम दोस्त अपने मोबाइलों की लाइट ऑन करें. मैंने इसलिए कहा कि अभी सरिया हमारा एक बच्चा है, वो भी शहीद हो गया. आपका कोई बच्चा जख्मी या किसी को अल्लाह ना करे कोई मसला जाता है, वो मेरा बच्चा है. लिहाजा खुदा का वास्ता किसी शक शुबे में मत जाएं. ये तहरीक आपकी है, सस्ता आटा सस्ती बिजली अशराफिया की मराद का खास. स्ट्रेट फायर किया जा रहा है कश्मीरियों पे. कश्मीरी मोर देन 50 इस वक्त शहीद हो चुके हैं, तो 150 से ज्यादा जख्मी है. तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े काफिले जो मुजफ्फराबाद में रावलकोट पहुंच, धीरकोट हर साइड से पहुंचे मुजफ्फराबाद, तो हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं. अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं. वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे, हम उनके लिए हर चीज़ मतलब कि ओपन कर देंगे, हम उनको रोटी देंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे. तो ये सिस्टम है यहाँ पर. पता नहीं सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है कि इस्लामिक कंट्री यहाँ पे सभी मुसलमान रहते हैं लेकिन फिर भी इतनी लड़ाइयाँ इतने झगड़े. के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो है गल्फ कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. हमारी एक आर्ट के परसेप्शन है जो आम तौर पे मीडिया पे नहीं बताई जाती. हम खास तौर पे जो है वो एक ऐसी आज़ादी की बात करते हैं जिसमें हम मुकम्मल तौर पे हमारी एक सॉवरेनिटी हो, हमारी एक जो है वो स्टेट के अंदर हमारी एक आइडेंटिटी हो, जो एक कश्मीर की 5000 थाला पुरानी तारीख है वो हो. इसका कश्मीर का एक ख़ास जग्राफिया है जिसके अंदर जो है डिफेंस, जिसकी अंदर क्रिपेंस, जो उसकी इकानमी है और जो इसकी जो खास तौर पे डिफेंस इकानमी और फॉरेन है वो कश्मीर के पास हो. कश्मीरी पंडित भी यहाँ पे इंडिया वाले लोग जो कहते हैं, अगर हम हिस्ट्री थोड़ी देखते हैं कि मुसलमानों से पहले जैसे अभी यहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है तो हिंदू मेजोरिटी थी यहाँ पे. आप क्या इस बात से एग्री करते हैं डायनेस्टी? जी ये दुरुस्त है कि कश्मीर के अंदर जो रिसेंटली जो डोगरा डायनेस्टी थी वो एक हिंदू थे. अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे, वो हिंदू कहाँ गए? कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर नहीं, कश्मीरी हिंदू है, बुद्ध मत है, जो भी है, किसी भी मजहब से है, जो भी है, सबके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है. यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है जी जम्मू और लद्दाख के अंदर जो है ना, या श्रीनगर के अंदर इशू चल, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जो कश्मीरी है ना उसका असल मसला पहुँचाया ही नहीं जा रहा. ओवरऑल जो कश्मीर का मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान हो, क्योंकि वो भी कश्मीर है, ठीक है. 84,471 मुरबा मील पे तकरीबन 2 करोड़ मुसलमान यानी आबादी जो है ओवरऑल सभी मजलूम है, किसी को आवाज़ जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं. यहाँ अगर मैं बात करूँगा ना, अगर ये सोशल मीडिया पे आप डालें, अपने मीडिया पे आपको इजाज़त देता हूँ, कल आप 2 महीने बाद पता करें यहाँ पे मेरा नाम भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हम गुमनाम हो जाएंगे यहाँ पे. आपकी बात को थोड़ा सा टोक रहा हूँ. ये देखें मैं अगर कोई बात करूंगा तो ये कहा जाएगा ये प्री प्लान्ड है. मैं अगर कोई बात करूंगा कहा जाएगा ये वन साइड दिखा रहा है, ये एजेंडे पे काम कर रहा है. पता नहीं इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहा है, वेस्ट के एजेंडे पे काम कर रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है. लेकिन यकीन माने जो मेरी परसेप्शन थी, जो मेरी सोच थी कश्मीर आने से पहले और अब की जो सोच है, मैं एक दफा हैरान हो गया हूँ कि हमें दिखाया क्या जा रहा है. आप कोई, मैं हर एक मीडिया वाले को चैलेंज करता हूँ, कोई भी मीडिया पाकिस्तान का जो खासतौर पे मीडिया आए कश्मीर में, आए भाई इनकी आवाज़ उठाएं. हमें दर्द है ना, हम वहाँ पे ये कहते हैं जी हमें मुसलमानों से दर्द है, हम कश्मीरियों के साथ हैं. हमें 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहते हैं, नारे लगाते हैं, तो आए इनकी आवाज़ उठाएं. ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा. बातें बुरी लगेंगी लेकिन 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है, जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं,
यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर? हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे क्योंकि ये तो बाहर नाम ने हाथ आजाद, लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। हम किसी के एजेंडे पे नहीं, ये भी मकबूजा कश्मीर है, इंडियन भी मकबूजा कश्मीर है, चाइना के पास भी जो एक्साइशन वो भी जो है ना मकबूजा है, और गिलगित बल्तिस्तान को भी हम जी वो आ गया ना इंडियन ऑक्युपाइड आ गया। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे अगर ये तो बड़ी मतलब सख्त किस्म की बातें इन्होंने की हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बातें अगर वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और मैं सुनकर हैरान हो रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इंडिया में ये कहा जाता है कि मुसलमानों को या कश्मीरियों को यहाँ पर आज़ादी नहीं है बोलने की, या और हम ये कहते हैं कि इंडिया में वहाँ पर आज़ादी नहीं है कश्मीरियों को बोलने। ये बिल्कुल गलत है, दोनों तरफ जो है बिल्कुल आज़ादी नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हम अपने हकूक मांगते हैं, मतलब हम मांगते हैं ये जो दरिया बह रहा है ये इसके ऊपर जो पानी है हमें उस पर रॉयल्टी नहीं दी जा रही, इस दरिया पे जो बिजली बन रही है उस दरिया से पैदा होने वाली इनकम जो है बिजली की इनकम वो हमें नहीं दी जा रही, ना हमसे वहाँ पे तालीम, ताकि वो पैसा हमारी तालीम पे खर्च हो, हमारी सेहत पे खर्च हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो, हमारे लोग डेवलप करें, तरक्की करें। मुकम्मल तौर पर जो है इस चीज़ पर पाबंदी है, हमारे लोगों को कोई हक नहीं दिया जा रहा। मुझे बताएं कश्मीर 75 साल से हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 75 साल से इंडिया वाले कह रहे हैं टू टंग है, आप कश्मीरी इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ इनसे बात करके। मुझे ये था ये बताएंगे कि भाई हम बहुत खुश हैं, हम यहाँ पे बहुत ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत एजुकेशन का मसला है, ये है वो है, लेकिन जो इन्होंने बात स्टार्ट की है मेरी समझ से बाहर है। रेंजर्स भी इस वक्त जो है कश्मीर के अंदर जो है एंटर कर चुकी है, हालात बिगड़े नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और हमें नहीं लगता कि कोई मुजाकरात या फिर कहते हैं ना कि कोई झूठा बहाना कश्मीरियों को इस दफ़ा उन्हें घर लौटने पर मजबूर करेगा, बल्कि जो भी इदारे हैं उन्हें सस्ता आटा भी करना पड़ेगा और सस्ती बिजली भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इस तहरीक को अगर हम देखे जाइए, एक साल से ये तहरीक शुरू है, एक साल पहले उन्होंने ये किया कहा था, इख्तराज वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड किए कि अगर रियासत हमारी डिमांड्स को नहीं मानेंगे तब हम दूसरा रुख इख्तियार कर लेंगे। अच्छा। दूसरा रुख जो उनका था एक हफ्ते पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका आखिरी टारगेट जो था मुजफ्फराबाद को ब्लॉक करना था, तो उनके साथ आज उनकी जितनी भी मुतलबात थे उनके जो सबसे मेन बेसिक डिमांड थी उसमें ये थी कि उसकी जो लोड शीटिंग की डिमांड थी, यानी कि उसको जो पर यूनिट 40 रुपये मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें 2.4 पैसे मिलने चाहिए थे। इस तरह उसकी जो आटे वाला इशू थी, बाकी जो सऊदी अरब और अमेरिका की उसके मसाले में इन्वॉलमेंट, ये 3 डिमांड थी, तो उन्होंने रियासत ने उनके साथ मान लिए, लेकिन पेद ने कह दिया कि हमने मुजफ्फराबाद जाना है, तो रियासत ने उनको इजाज़त दे दी कि बिल्कुल आप लोग जा सकते हो। अभी शाम 7:30 बजे वो पुरअमन आ रहे थे, खुशी मना रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो वहाँ पे रेंजर्स और एफसी उन पे स्ट्रिक्ट फायरिंग की। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ रबते में था, वो कह रहे थे कि 100 से ज़ायद हो गए जो जख्मी है। पहले एक बंदे ने बताया कि 87 है और अब 100 तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मेरा करीबी साथी उनसे मैंने पूछ लिया, कह रहे कि अभी 100 से ज़ायद है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या और कितने जख्मी हो रहे हैं और कितने शहीद हो चुके हैं इसमें, तो यही अपडेट है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लीजिए तो पाकिस्तान के जितने भी जर्नेल थे और ये जो अशरफिया रियासत पे काबिज है, इन्होंने बलूचिस्तान के साथ भी यही किया था, इन्होंने पख्तूनख्वा के साथ भी यही किया था, बाकी दीगर जितनी भी मजलूम तबका थे उन सब के साथ उन्होंने ये किया था। बलूचिस्तान के अकबर भुट्टी साहब के साथ भी उन्होंने किया था कि उनको कह रहे थे कि आप पगाड़ों पे चले गए हो हमारे साथ, आप लोग गलत कर रहे हो, तो रियासत ने उनके साथ कसम भी खाई थी कि आप लोग नीचे उतरे, आपकी जो जितनी भी बेसिक मेन डिमांड है ह्यूमन राइट्स की, जितनी भी सिविल राइट्स हम आपको देंगे, तो जब वो नीचे उतर आए उनके साथ तो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, तो उसके बाद रियासत ने उनको यानी कि पानसी दे दी उनको, इसी तरह जो अभी देखने को मिल रहा है इसी तरह से उनके साथ क्रिएट भी किया था। देखें, मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी टाइमिंग देखें क्या है, ये ऐसे कैसे वक्त में शुरू हुआ है। हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, एक अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज की आर्टिकल 370, अगर वो देखें तो पता चल जाएगा, जिसमें जो साहब नरेंद्र मोदी का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो अब मकबूजा कश्मीर के बाद आज़ाद कश्मीर को भी हिंदुस्तान में शामिल कराएंगे। तो इसकी एक तो टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जो भी टाइमिंग है, हिंदुस्तान का जो भी एजेंडा है जिसमें तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है जो अपना हक मांग रही है वो हक बजानेब होगी अपना हक मांगने में, लेकिन वो जो अपना हक मांग रहे हैं बिल्कुल हक बजानेब होंगे, लेकिन एक और भी इसका जो पहलू है वो देखना है कि 1,30,000 लोग इस वक्त सरकारी कश्मीर में, और जाहिर है
पे जो लोग हैं उनको सरकारी खजाने से ही तनख्वाहें जाती होंगी, तो अब देखना यह है। और उसके अलावा जो तरक्याती गैर तरक्याती अखराजात हैं वो अलग हैं, देखना यह है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। पाकिस्तान उसको हुकूमत पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करती है, लेकिन अगर वो ये मुतालबा रख दें कि मुकम्मल तौर पर टैक्स माफ कर दिया जाए तो ये भी एक जायज मुतालबा नहीं होगा। वीडियो आई है कश्मीर से, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों शायद आपने इसको ट्विटर पर देखी होगी। ट्विटर पे पाकिस्तानी इस वीडियो को ट्वीट करके साथ में लिख रहे हैं टाइटल में, और नीचे कमेंट में भी सारे पाकिस्तानी निकले लिख रहे हैं कि ये वो नमक हराम कश्मीरी है जिन्हें हमने पानी दी, जिन्हें हमने जमीन दिया, जिन्हें हमने खाना और कपड़ा दिया, आज यही कश्मीरी हमारे फ्लैग उतार कर फेंक रहे हैं और आज यही कश्मीरी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। ये बढ़िया जोक था भाई। पहले इस वीडियो को देखिए, बाद में समझाता हूँ डिटेल से कि आखिर हुआ क्या है। कश्मीरियों ने दोस्तों पाकिस्तानी फ्लैग जो वहां पर कश्मीर में जहां जहां भी बड़े बड़े फ्लैग लगे हुए थे वो सारे उतार कर फेंक दिए। अब कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का जो है जो शब्दों का जो पट्टा चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसे आप ट्विटर पर बड़ा अच्छा देख सकते हैं। कश्मीरी बोलते हैं कि आटा महंगी जो है, बिजली है ही नहीं और बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, इतनी महंगाई है कश्मीर में, हम पाकिस्तान का फ्लैग एक्सेप्ट नहीं करते, हम आजाद कश्मीर हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान में जो नियम जो कानून जो रूल्स आते हैं हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम वो कानून नहीं मानते। और जब पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती की तो कश्मीरी सड़कों पर आ गए। आपको पता है पिछले दो दिन से कितनी हालत खराब है कश्मीर में, तो भाई पुलिस ने लाठीचार्ज की, गैस जो गैस कैसे होते हैं वो फेंक के, जिसके नतीजे में दोस्तों पुलिस वाले भी और बहुत सारे कश्मीरी भी शहीद हुए और कुछ पुलिस वाले मुर्दार हुए उसमें। इसी बात को लेकर दोस्तों कश्मीरी बड़े गुस्से में हैं और वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे।